आज चुनाव का आखिरी दिन है। वहीं आरा लोकसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 251 पर समय से पहले से ही मतदाता पहुंचने लगे थे और जैसे ही घड़ी का सुई 5:07 पर पहुंचा, लोगों ने वोट डालना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि 7 बजे के पहले ही मॉक पोल पूरा कर लिया गया था और वहीं पीठासीन पदाधिकारी ने बताया बूथ संख्या 251 में पहुंचे हैं और यहाँ ना शौचालय की व्यवस्था थी और ना भोजन की। हम लोग काफ़ी देर परेशान रहे, इसको लेकर हमने DDC BDO से बात की, फिर भी कोई निदान नहीं निकला। इसके बाद कॉलेज प्रशासन द्वारा शौचालय की व्यवस्था की गई, वही हम लोग अपने तरफ से कुक का भी व्यवस्था किया जो भोजन बनाकर हम लोग को दिया गया। और वहीं आरा के युवाओं का मुद्दा रोजगार है। युवाओं ने साफ कहा कि युवाओं के लिए जो मोदी की सरकार है वह अच्छी नहीं है, क्योंकि कई बार नौकरी के लिए दी गई परीक्षा पेपर लीक होने से युवाओं को काफ़ी परेशानी हो रही है और वह अच्छे पढ़े लिखे होने के बावजूद भी नौकरी भी नहीं पा रहे हैं, जिससे काफ़ी वे नाखुश है। देखिए सर, हम लोग का क्या चाहिए, हम लोग सर युवा हैं, हम लोग क्या चाहेंगे, चाहेंगे कि हमारा रोजगार हो, घर परिवार चले और देश का विकास हो। हम लोग चाहेंगे, मोदी जी हैं, मोदी जी के नेतृत्व में सब चीज़ अच्छा हो रहा है। हम लोग मोदी जी से कुछ शिकायत नहीं है, शिकायत ये है कि जो युवा लोग हैं उनके लिए, उन लोगों के लिए रोजगार होना चाहिए। देखिए हम लोग 8 साल से तैयारी कर रहे हैं, अब ये नहीं है कि हम लोग पढ़ते नहीं हैं, सब चीज़ करते हैं, कभी वैकेंसी कैंसिल हो जाती है, कभी हम लोग का बोलते हैं कि एग्ज़ाम नहीं होगा। जी बहुत अच्छा है, पहले पहुंच गए कि थोड़ा तबीयत भी कमज़ोर है, इसीलिए पहले धूप भी है, इसीलिए आए कि पहले दे के चले जाएंगे। 80 साल एज पार कर गए हैं। क्या मुद्दा है जी, मुद्दा क्या है? क्या है इस बार चुनाव में मुद्दा? क्या मुद्दा का जो विकास हम लोग के एक मुद्दा है, विकास है, सब मुद्दा के विकास होगा वहाँ सब मुद्दा पहुँच फेल हो जाएगा, समझे ना, वही विकास के मुद्दा पर हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, जात मात कुछ लड़ाई नहीं है। आरा से हमारे संवाददाता तारकेश्वर प्रसाद फोन लाइन पर मौजूद हैं। तारकेश्वर, क्या स्थिति बनी हुई मतदान केंद्र की? हाँ नमस्कार, यहाँ एकदम शांतिपूर्ण जो आरा में मतदान चल रहा है, वहीं सुबह 6:45 से ही जो मतदान केंद्र है वहाँ जो मतदाता है धीरे धीरे पहुँच रहे थे अपना मतों का प्रयोग करने के लिए। वहीं जैसे ही 7 बजे लोग लाइन में खड़े हो गए और अपना मत का प्रयोग करते दिखे, वहीं मतदान करने के बाद कई मतदाताओं के चेहरे पर जो खुशी थी साफ झलक रही थी। जी जी जी, तारकेश्वर, पीठासीन पदाधिकारियों ने अपनी शिकायत बताई कि उनके कुछ सुविधा नहीं दिया गया, कोई व्यवस्था नहीं थी, क्या कहना है वहाँ के लिए? इस मामले में जब हम भोजपुर DM से बात किए तो उन्होंने बताया कि नहीं, सभी जगहों तो पेयजल की व्यवस्था की गई है, पर जहाँ तहाँ अब जहाँ नहीं है वहाँ कुछ ही क्षणों में कर दी जाएगी। तो इनका कहना था, जो पीठासीन पदाधिकारी थे इनका कहना था कि जब हम रात में पहुंचे थे यहाँ पेयजल और शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, हम लोग काफी देर तक इसके लिए इंतजार करते रहे कोई हमें व्यवस्था मिलेगा, और काफी देर के बाद जो महाराजा कॉलेज के जो प्रशासनिक टीम है उन्होंने जो पीठासीन पदाधिकारी है इनको अपना जल और शौचालय के व्यवस्था करवाया। तारकेश्वर, वहाँ मौसम को देखते हुए क्या कुछ ऐसा विशेष व्यवस्था किया गया कि कोई टेंट वगैरह या तो फिर छांव के लिए कुछ व्यवस्था है? हाँ, वीडियो ब्लॉक जो है ना, आरा ब्लॉक है, वहाँ पे जो डिजिटल मतदाता केंद्र बनाया गया है, महिलाओं के लिए अलग वहाँ व्यवस्था है, महिलाएं एकदम मतदान कर रही हैं, और वहाँ जो पूरा जो व्यवस्था है सही तरीके से किया गया वहाँ पे। अच्छा तारकेश्वर, एक बात और सामने आया जा रहा है कि वहाँ के जो युवा है वो नाखुश है, किस बात को लेकर नाखुश है? युवा जो है रोजगार के लिए नाखुश है। जब युवाओं से हमने बात किया तो युवाओं का साफ कहना था कि जो अभी जो केंद्र की सरकार है जो वैकेंसियां आती हैं उसका पेपर लीक होता है, उसको लेकर युवाओं में काफी नाराजगी देखी गई है। तारकेश्वर, आपको समय समय पर हम संपर्क करते रहेंगे, बाकी सारी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।